सरकारी काम में बाधक नहीं दे रहे, आप बाधा डाल रहे सुप्रीम कोर्ट का मिलना कर रहे हो, नहीं रहने देंगे सर, मैं चले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर कि जब तक बचाया नहीं जाए तब तक उखाड़ा नहीं जाएगा। नाली के पीछे मेरा अधिकार है, आप पढ़िए सर, आपको देते हैं। इसमें है कि जो भी फुटपाती है उनको जीने का अधिकार चाहिए, वो पीछे नाली के पीछे अपना जीविका चला सकता है और हम लोग बरसों से चला रहे हैं। अब उसके बाद मुझे नगर निगम जो है, नगर निगम हम लोग को वेंडिंग जोन बना के दिया है, बशर्ते हमको सर्टिफिकेट दिया है कि आप यहाँ व्यवसाय कर सकते हैं, बशर्ते नाली के बाहर नहीं, नाली के अंदर। आप लोग स्वयं मीडिया कार्मी देखे, नाली के पीछे हम हैं। फिर अभी क्या बोले हमारे प्रशासन पदाधिकारी कि भला हम नहीं हटाएंगे, थोड़ा सा पीछे चल जाइए, हम लोग स्वयं कर रहे हैं। अचानक जैसी भी चला दे रहा है तो हमारी जान ले लीजिए पहले। प्रशासन किस अधिकार से मुझे उधार रही है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रही है, हम कंटम ऑफ केस करेंगे सबके ऊपर, जितना पति केस करूंगा मैं। हाँ लीजिए, कंटम ऑफ केस है। किसने दिया? नगर निगम दिया सर, नगर निगम। मनीष सर, मनीष सर दिए हम लोग, कह चुके हैं आप इसका सिग्नेचर देखिए। एक मिनट रुके ना, देखिए ये नगर निगम जो है ना, हमारी सर्वे हो चुका है, हम लोग को सर्वे करके दिया है सर। और अभी तक हम लोग कम से कम 15-20 सालों से, हम लोग का 2016 में भी सर्वे हुआ, अभी हुआ, एक एक फुटपाती को सबको ये दिया। इवन यहाँ बोरे गतिक्रमण यहाँ पे भी सर्वे करके गया है, तो जिनका सर्वे आप कीजिएगा उसको आप फुटपाती कैसे बोलिएगा? अगर गलत है तो आप क्यों किए सर्वे? ठीक है, आज क्या बोला जा रहा है? आज ये बोला जा रहा है कि हटाओ, हमारा आदेश है। हाँ बोला है हमारे नगर निगम पदाधिकारी कि अभी G20 का हम लोग भी खुश हुए, हमारी भी राशि है, हम लोग मूल निवासी है सर, अभी हम कहाँ जाएंगे? सामने से गंदा दिखता है, हम लोग हटा लिए। ठीक है, और बोले 10 दिन हम हटा लेंगे। अब हमारी ये जो है झोपड़ी सर, जिसे हम जीवन खाते हैं, उसको ये डायरेक्ट अभी डायरेक्ट जैसी भी जो है चला करके तोड़ दे रहे, अभी बोले कि नहीं चलाएंगे और तुरंत धोखा से चला दे रहे, तो गलत है, तो हम लोग क्या करें? तो आज के डेट में फिर हम क्यों करें? मेरा नाम शफीक अंसारी है, एजी मोल डोंडा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं, हालांकि अपनी परेशानियों के दुकानदार बता रहे हैं तो वहीं नगर निगम मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, और लगातार ये बुलडोजर चल रहा है। अभी हमने देखा कि एक व्यक्ति कुछ पेपर दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का, कि हाई कोर्ट का है, तो क्या है वो मामला? देखिए वो मामला कुछ नहीं है, उसमें देखे आप वो जो कागज़ दिखा रहे थे उसमें जस्ट एक प्रिंटआउट लिया हुआ था,
कहीं से, अब हम दो लाइन का प्रिंट आउट था उसमें ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप स्ट्रक्चर बना के पूरा दुकान बना लीजिए, अतिक्रमण करके उसके बाद दुकानदारी कीजिए। तो कोई ऑर्डर देता है या उनको बसाया जाता है तो आप ठेला में आप लगाइए और ठेला लेकर अपने घर जाइए। फुटबॉल वेंडर का यही है, आप हर जगह फुटबॉल वेंडर अगर मान लीजिए रोड के किनारे अगर दुकान बना लेगा तो आदमी कहाँ चलेगा, गाड़ी कहाँ चलेगी, यातायात कहाँ जाएगा। तो ये कुछ नहीं था, वो जस्ट एक प्रिंट आउट था। और उनको कहीं भी कोई ऑर्डर भी अगर होगा उनके पास तो वो नहीं होगा कि आप यहाँ पे दुकान बनाइए, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाइए, बांस बल्ली गाड़ के 15 बीस बाई बीस का आप दुकान बनाइए और एक आदमी 20x20 के दुकान में फुटपाथ पे रहेगा, ये कहीं ऐसा उसमें नहीं मेंशन था। वो दो लाइन कुछ लिखा हुआ था जो थाना प्रभारी जो थे एक सब इंस्पेक्टर उन्होंने बोला कि इसमें ना कोई स्टाम्प है ना कुछ है, ये तो जस्ट प्रिंट आउट है, तो कहाँ लिखा हुआ है इसमें, किसका है ऑर्डर बताइए, तो भाग गया वहाँ से। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लगातार चल रहा है सरकारी बुलडोजर, तो वहीं लोगों में दिख रहा है भारी आक्रोश, लेकिन आक्रोश के पीछे का कारण आज हम समझने की हमने कोशिश किया है, बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। अधिकारियों से भी हमने जाना और जो फुटपाथ दुकानदार के जो यहाँ के जिसको नेता भी लोग कहते हैं वो निकलकर सामने आए और उनके तरफ से आक्रोश दिखा और भारी आक्रोश दिखा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल क्या कुछ हुआ, वहाँ भी कई लोगों ने हम लोग पर भी सवाल खड़ा किया। तो भाई हमारा काम है दोनों पक्ष को दिखाना और दोनों से सवाल जवाब लेना, आज भी हमने वही किया है। ये आक्रोश एकाएक क्यों बढ़ा हम जानेंगे अधिकारी से, क्या आपने दो दिन तीन दिन पहले नहीं बताया, हालांकि बातें सामने आ रही है कि हमने भाई अनाउंसमेंट किया उसके बाद भी कोई हटने को तैयार नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ उत्पन्न हो रहा है कि जो बात आज निकलकर सामने आई, लोग कह रहे हैं गरीबों को उजारा जा रहा है, हम भी पहले यही समझ रहे थे कि भाई गरीबों को उजारा जा रहा है, इनको बसाने का काम नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों को लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस दिया गया है कि आप फुटपाथ पे अपना बिजनेस करें, लेकिन आज उस पॉइंट पर हम जब ध्यान आकर्षित किए, जब दुकानदार कह रहे थे भाई हमको कोर्ट का आदेश है तो हमको नगर निगम का आदेश है, फिर भी हमें उजारा जा रहा है, ये हमने जानने की कोशिश की अधिकारियों से। तो जो बात एक निकलकर सामने यहाँ पे आ रही है कि ये लाइसेंस आपको दिया गया है कि आप दिन भर ठेला पर सामान बेचें और शाम में ये जगह खाली कर दें, ना कि स्ट्रक्चर खड़ा कर लें, ना कि एक मतलब क्या बोलते हैं उसको परमानेंट कोई सोल्यूशन कर ले उसको आप कि दिन भर जो बेचे ही और रात में उसको कब्जा करके घर चले गए और सफाई गंदगी वगैरह जो है वो खराब न लगे, उसको लेकर के भी ये थोड़ा सख्त हुए वहाँ पे। जब हमने इनके नेता से ये बात करने की फिर से कोशिश की कि क्या आप बातों को समझ गए, तो पता नहीं फिर से वो कहाँ गए, फिर दोबारा हमें नहीं दिखे हैं, शायद इनके बातों से वे सहमत हो गए कि हाँ यहाँ जो बातें ये सामने आ रही है कि भाई दिन भर आप बिजनेस करें और शाम में आप लेकर चले जाएं, स्ट्रक्चर खड़ा करने का आदेश आपको नहीं है, जिसे अधिकारी अतिक्रमण के रूप में लगातार कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण किए हैं और हम कार्रवाई करेंगे और सरकारी बुलडोजर चलेगा, आज भी चला, लगातार अधिकारी कह रहे हैं कि जब तक ये अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा बुलडोजर चलते रहेगा। हमारे साथ इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारी हैं, आज तो एक बार फिर से दिखा ये आक्रोश डोरंडा में। देखिए जब जब हमारी ड्राइव स्टार्ट होती है लोगों का आक्रोश सामने आता है, क्योंकि अगर किसी का बसी बसाई घर है अगर वो उजड़ता है तो हर कोई, चाहे उसका खुद का ज़मीन हो या फुटपाथ पे हो, लेकिन आम लोगों का यही है कि अगर कोई उजड़ता है तो उनसे आवाज़ उठती है कि हम जाएंगे कहाँ, लेकिन हम उनको हटा नहीं रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं कि आप इन प्रभाई जो स्ट्रक्चर लगाए हुए हैं उसको आप लोग हटा लीजिए और जो हमारा सुंदरता में बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको दूर कीजिए, ताकि हमारा प्रशासन एवं सरकार की जो मुहिम है कि हमारा रांची स्वच्छ और सुंदर बने उसमें सहयोग करिए। अगर ये झोपड़पट्टी और ये बांस बल्ली के द्वारा अगर आप लोगों ने दीवाल को इनक्रोच करके रखा है तो उसके ऊपर में सुंदरता की कार्रवाई कैसे होगा, आप बताइए इसमें सुंदरता की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं पूरा दुकान के सामानों के द्वारा उस दीवाल को इस तरह से ढक दिए हैं कि वो दीवाल तो आज दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इस हालत में हमको उस स्ट्रक्चर को हटाने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं बचता है, इसलिए हम लोगों ने
ये सोच रखा है कि ये जो इम्प्रोवाइज मेथड है, ये इम्प्रोवाइज तरीके से लगाए हुए हैं, उसको हटाएंगे ताकि इसके ऊपर रंग रोगन की कार्रवाई होगी, ताकि हमारे दीवार के ऊपर में नया नया आकृति बनाई जाएगी जो कि हमारे झारखंड की संस्कृति को दिखाएगी और बाहर से आने वाले लोगों को आकर्षित करेगी। इस सोच के तहत हमारी कार्रवाई चल रही है और हम चाहते हैं कि इस तरह के झोपड़पट्टी ना रहें। जो भी भाई यहाँ दुकानदार चलाते हैं, आम रोजी रोजगार अपना जीवन यापन करते हैं, उनको इनको हमारी कार्य में सहयोग देना चाहिए। आप दुकान कीजिए, दुकान करने के बाद अपने सामान को लेकर के घर जाइए और नेक्स्ट डे जब आते हैं तो सेम ये रूटीन वर्क में करिए। लेकिन लोगों का एक मनोवृत्ति बन चुका है कि हम अगर लगाए हैं दुकान तो हम दुकान को लगा हुआ छोड़ेंगे, इसके ऊपर हम हटाएंगे नहीं। लेकिन हमारा कहना है आप सरकार प्रशासन एवं रांची नगर निगम का सहयोग करिएगा तो रांची नगर निगम भी आपका सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है और तैयार है। ऑन द कैमरा तो नहीं लेकिन ऑफ कैमरा कुछ यहाँ फुटपाथ दुकानदार भी आए थे, आपको यह भी हम बताएं और आपको यह जानना भी चाहिए कि कुछ फुटपाथ दुकानदार यहाँ पे आए थे जब ये टूट रहा था तो कुछ आसपास के फुटपाथ दुकानदार यहाँ आए थे। उनका कहना था कि यहाँ पे जो लोग स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं काफ़ी जगह ले लिए हैं, यदि एक ठेला लगता तो आप खुद देखिए कि इसमें तीन ठेला का जगह है। तो ऐसे लोगों के चलते हम लोग भी भूखे और दर दर भटक रहे हैं कि एक एक आदमी पूरा दुकान की तरह जगह कब्जा कर लिया है तो हम लोग भी कहाँ जाएं। कुछ जगह यहाँ मिलता तो हम लोग भी अपना ठेला लगा पाते क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक दुकानदार का कम से कम तीन चार दुकान एक ही दुकानदार का है। अगर ये आपस में ये सोच लें कि हमारा ही भाई है, अगर हम एक दुकान लगाए हैं तो दूसरा भाई को भी मौका दें, लेकिन हमारा सोच नहीं है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ओनली फॉर हम ही बढ़ेंगे और जो मेरा भाई है वो पीछे छूट जाए। ये हमारा सोच की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। ये सोच को बदलिए, अपने आप जागरूक बनिए और आप नहीं, आप हमारा मुहिम में साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपका दुकानदारी किसी प्रकार से बाधित हो रहा है तो हमको भी आज चोट लग रहा है कि हमारा जो आम जनता है इसी से रोजी रोजगार करती है, लेकिन आज इनका दुकान को तोड़ने की नौबत आ रही, क्योंकि आप लोगों ने पहले हमारा साथ नहीं दिया। आप अगर सोच रहे हैं एक दुकानदार हैं तो अपना दुकान खुद चलाएं, बाकी की दुकान के बारे में कोई चिंता नहीं है। तो ऐसा है कि आप सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक मनुष्य हैं, आप लोग में मानवता भी होना चाहिए। मानवता एक ऐसा चीज़ है कि हम बढ़ रहे हैं तो औरों को भी बढ़ाएं, सिर्फ अपना स्वार्थ मत देखिए। स्वार्थ देखिएगा तो हमेशा ऐसा ही होगा, हटने में भी आपको तकलीफ होगी, क्योंकि छोटा आदमी कभी भी हट जाता है, जिसका जड़ मजबूत होता है ना वो पेड़ हिलता है लेकिन गिरता नहीं है। तो आज ऐसी हालात हो चुका है तो हमारा कहना है कि आप हमारे काम में सहयोग कीजिए ताकि हम ये कार्रवाई एक स्मूथली कर सकें और हमारा जो मुहिम है उसको पूरा कर सकें। आपने एक बहुत बड़ा अभी ये सवाल उठाया है, बात किया कि जो पेड़ मजबूत हो जाता है, जड़ मजबूत हो जाता है तो वो हिलता है, गिरता नहीं है, तो क्या वैसे पेड़ों को भी आप गिराएंगे और लगातार कार्रवाई ये बुलडोजर चलते रहेगा? ऐसा है, अगर पेड़ बाधा डाल रहा है तो हम उसको ज़रूर गिराएंगे और ज़रूर गिराएंगे। और आम लोगों को यह हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप इम्प्रोवाइज तरीके से काम कर रहे हैं तो स्वतः हटा लीजिए, अन्यथा हमारा बुलडोजर कंटिन्यू चलेगी और आपका कितना भी मजबूत पेड़ होगा हम गिरा के ही रहेंगे। कितना भी मजबूत पेड़ बना लिए लीजिए आप, लेकिन पेड़ ये गिरा के रहेंगे। एक महीना से तमाम खबरों से आप हमारे जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से मजबूत पेड़ भी गिर गए हैं। हरमू रोड में आपने देखा होगा, रैप के जवान भारी संख्या में उतर गए थे सड़कों पे और काफ़ी वहाँ पे कुछ स्थानीय लोग एकत्रित हो गए थे तो रैप के जवानों ने संभाला था मोर्चा। बहरहाल लेकिन इनका भी ये साफ कहना है जियो और जीने दो, आपको हम उजार नहीं रहे हैं, लेकिन यदि आप अपना पेड़ मजबूत करना चाहेंगे सरकारी जमीन में तो वो हम मजबूत होने नहीं देंगे। आप कमाइए खाइए, दिन भर कमाइए खाइए, शाम में जगह खाली कीजिए। स्वच्छता की हम बात करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं जैसा कि अधिकारियों ने कहा कि पीछे में दीवार में देखिए वो पता ना कितने बरस पहले वो पेंट हुआ होगा, शायद इन्हें भी पता नहीं है, और जो गंदगी है वो तो है ही।
तो इसलिए इनका कहना है कि भाई आप ठेला लेकर के आइए, दिन भर लगाइए, कमाइए, खाइए और शाम में जगह को खाली कीजिए और अपने ठेला तक ही सीमित रखिए ताकि दूसरा गरीब भी आपके बगल में जिए। अभी आप देख रहे थे नोक झोंक तोड़ फोड़ तो वहीं लगातार बुलडोजर, लेकिन जहाँ जहाँ बुलडोजर चला है और जो परिस्थितियाँ अब दिख रही हैं तस्वीरों में आप साफ देख रहे होंगे, जो अधिकारी बात कर रहे हैं कि G20 सम्मेलन होना है और कई विदेशी मेहमान हमारे रांची में आ रहे हैं, स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो आप हमारे पीछे भी देख सकते होंगे, आप देख रहे होंगे कि बड़ा बड़ा कटआउट G20 को लेकर के, तो वहीं यह चौक, यहाँ भी अभियान चला था, इस चौक का भी नज़ारा अभी आप देख रहे होंगे। बाकी जो ब्रिज वगैरह हैं उस पर भी कलाकृतियाँ, एक से एक झारखंडी कलाकृतियों को उस पर बनाया गया है और लगातार अभी भी कारीगर काम कर रहे हैं। तो वहीं जितने भी इस में हम VIP रोड की बात करें, जो हरमू रोड जिसे हम कहते हैं, इसमें जितने भी पोल हैं, जो बिजली के खंभे हैं, उस पर रंग बिरंगी लाइटें लग रही हैं, खूबसूरत नज़ारा होगा वो अभी देख आपको हम तस्वीरों से अवगत कराएंगे। लेकिन फिर से चलते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या कुछ हुआ। मेरे पास पेपर है कोर्ट का, सुनिए, पेपर कोर्ट का हम इनको दुकान से बेदखल कर नहीं रहे हैं, इनका कहना है कि मेन स्ट्रक्चर उसको हटा लें, इसके बाद ही लोग दुकानदारी करें, कोई हमको तकलीफ नहीं है दुकानदारी से। बांस बल्ली मेन ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल है, बांस बल्ली हटा लीजिए, उसके बाद दुकानदारी करिए, कोई तकलीफ नहीं। हम आप लोग ये कह रहे हैं कि जो ये बांस बल्ली लगाया है उसको हटा लीजिए और ऐसे दुकानदारी कीजिए, दुकानदारी करते रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। सुनिए, हम इसको हम हटा नहीं रहे हैं, सर जो आए हैं नगर निगम का आदेश से आए हैं, हमको नगर निगम क्या दिया है, सर्टिफिकेट दिया दुकान का, आप दुकान कीजिए वेंडिंग जोन में। नहीं, नगर निगम क्या ये बांस बल्ली का आदेश है किसका, वही ये पूछ रहे हैं। बांस बल्ली जब था हमारा सर्वे कि हम बांस बल्ली से ही वो बना के नहीं दिया, तो ही हम बांस बल्ली डाले हैं 2014 से, क्या कर रहा, दुकान बना के देना है ना, अभी तक नहीं दिया, शिफ्टिंग भी नहीं किया, शिफ्टिंग कीजिए, हम उठने के लिए तैयार है, आज आप हमको जगह दीजिए, कहीं पर दीजिए, आपको एक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम जाएंगे तो एक दिन में कंप्लीट करके ओके करना है। आप अगर कल आएंगे नहीं होगा, सुनिए, आप सुनिए ना, इस दीवार में पूरा अभी हमारा रंगाई पुताई होगा, आप हटेंगे नहीं तो कैसे होगा, हम हटेंगे कहाँ, हट रहा है, क्या बोल रहे हैं, सुनिए, अभी आपका बोला गया ना, अभी 3 दिन पहले इनको अनाउंसमेंट किया गया है कि आप स्वतः क्लियर कर लीजिए, हम लोग को नहीं सुने सर, हम लोग को कुछ बोला गया, रोड में अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, नाली के बाहर जो था उसको बोला गया कि आप हटा लीजिए, आप बताइए दीवार में जो बोला गया कल का हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग, आप सुनिए क्या बोला, रोड और नाली पे अतिक्रमण हटा ले, नाली के पीछे अतिक्रमण डाला ले, ऐसा नाली पीछे अतिक्रमण, दीवार के ऊपर कलरिंग होनी है, इसमें पूरा झारखंड का जो कलाकृति को दिखाना है वो कैसे, आप देखिए दुकानदार सर, नहीं सर नेताजी नहीं, आपको नाली, आपको बोला कौन अधिकार दिया कि आप यहाँ शेड लगा के रहेंगे, शेड का कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपको दे दिया शेड लगाने के लिए, आपको विभाग के तौर पर, हाँ ठीक है सर, हाँ तो लगाइए बेचिए, और हाँ ठीक है सर, वही तो हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं, लिखा है इसमें कि हम शेड बना के अपना परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करके बेचेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही लिखा है, आप जाइए, दुकान के लिए मना नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है ना, क्या बोल रहे सर, आप इसको खोल दीजिए, आराम से काउंटर लगाइए, बेचिए, कोई नहीं बोलेगा, हम खोल देंगे सर, हम बोले आप अचानक ऐसी आप यहाँ नेतागिरी करवा रहे हैं, नहीं नेतागिरी, तो आप जाकर खुलवाइए, आप जाकर वहाँ खुलवाइए ना, जाइए खोलिए ना भाई, खोलिए, आप समझ गए, हम लोग आज क्लियर, बात क्लियर हो गया। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।